बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन और सामईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। ज़ी नाइन टी वी के प्रोग्राम हार्ट टॉक एट ज़ी नाइन में आप सबको एक बार फिर खुश आमदीद। मैं हूँ आपका दोस्त, होस्ट और साथी आसिफ सैयद। सबसे पहले हदीस रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आदमी में इंतहाई हिरस और इंतहाई बुजदिली जैसी खसलतें बुरी हैं। यह हदीस मुबारक सुनन अबू दाऊद और मिशकात शरीफ से रिवायत है। साथ ही इमाम पंजम इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम का फरमान मुबारक, चार किस्म के लोगों से ना तो मेल मिलाप रखो और ना ही उन्हें भाई बनाओ, अहमक, बखील, बुजदिल और दरोहगो। ये फरमान मुबारक बहारुल अनवार से रिवायत है। नाज़रीन इकराम, आज सफ़रुल मुज़फ़्फ़र की 12 तारीख है और आज से ठीक 3 दिन कबल 9 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र को अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की खिलाफत की 3 जंगों में से एक जंगे नहरवान जीती गई थी। इस जंग में खवारिज का एक ग्रोह अब्दुल्ला बिन साहिब अर्रसीबी की क़यादत में अमीरुल मोमिनीन के मुकाबले में आया, जिसमें अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम की जानिब से जो लोग शहीद हुए उनकी तादाद 7 से 13 बताई जाती है, जबकि खवारिज 2400 खवारिज कत्ल हुए। इस जंग के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी रिवायत है, जो मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी की किताब खिलाफत व मलूकियत में भी वाज़े है, जिसमें हज़रत ने फरमाया, उम्मत के बेहतरीन लोग होंगे जो खवारिज को कत्ल करेंगे। इसके साथ ही अगर हम कनाडा की सूरत हाल देखें तो कनाडा में कोविड की सूरत हाल एक बार फिर दिगरदूं है। कोविड के केसेस की तादाद बढ़ रही है। अभी 2 दिन पहले की तादाद के मुताबिक ये 700 से ज़्यादा तजावुज़ कर चुकी थी, यानी एक दिन में जून के बाद ये तादाद कोविड के केसेस में सबसे ज़्यादा इजाफा था। हम आपसे बार बार अपील करते हैं और हमें उम्मीद है आप ज़रूर अपना ख्याल रख रहे होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इस कोविड की सूरत हाल से जल्द से जल्द नबर्द आज़मा होने की सलाहियत बख्शे और इस पैंडेमिक का मुकम्मल खात्मा हो। नाज़रीन, इसके साथ ही हम पहले वक्फा लेंगे और वक्फे से बाद जब हम आपसे जुड़ेंगे तो हमारे साथ एक गेस्ट होंगे। गेस्ट वही हैं जो पिछले प्रोग्राम में हमारे साथ थे, यानी न्यूयॉर्क से पाकिस्तान पॉलिसी इंस्टीट्यूट के चेयरमैन CEO डॉक्टर ग़ुलाम मुश्तबा। हमें उम्मीद है कि आप हमारे साथ ही रहिएगा। हम अभी वापस आते हैं। जी नाज़रीन इकराम, Z9 TV के प्रोग्राम हार्ट टॉक एट Z9 में एक बार फिर आपको खुशामदीद।
वक्फे पे जाने से पहले, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हमारे साथ पाकिस्तान पॉलिसी इंस्टीट्यूट के सीईओ चेयरमैन डॉक्टर ग़ुलाम मुश्तबा एक बार फिर हमसे जुड़ेंगे। पिछले प्रोग्राम में कुछ तशनगी रह गई थी जिसे आज हम सवालात के ज़रिए और उनके जवाबात के ज़रिए आपको मुतमईन करने की और सैर हासिल गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। आइए हम चलते हैं न्यूयॉर्क, पाकिस्तान पॉलिसी इंस्टीट्यूट के चेयरमैन सीईओ डॉक्टर ग़ुलाम मुश्तबा की तरफ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच आसिफ साहब, सो नाइस ऑफ यू। या डॉक्टर साहब, पिछली हमारी जो गुफ्तगु ख़त्म हुई थी उसमें हमारे साथ कुछ वक्त का भी मसला था। आपके उस प्रोग्राम के बाद मुझे कई कॉल्स आई हैं कि बहुत से मामलात थोड़े तशना रह गए थे। आज मैं चाहता हूं कि आप उन मामलात को शुरू से डिस्कस भी कर लें और जो कुछ नई डेवलपमेंट हुई है उस पर भी मैं आपसे तबसरा चाहूँगा। पहले तो मैं अमेरिका की प्रेसिडेंशियल सूरत हाल के मुतालिक आपसे पूछूं कि क्या इस एक हफ़्ते में कुछ चेंजेस हुई हैं, और अगर ऑनलाइन वोटिंग का सिस्टम है तो किस तरह से है, कुछ उसके बारे में बताइए, फिर हम पाकिस्तान चलेंगे। देखिए, बात दरअसल ये है कि इस वक्त इंतखाबात बड़े ज़्यादा हीटअप हो चुके हैं अमेरिका के अंदर, और इन हालात के अंदर दोनों पार्टियों की कोशिश हो रही है कि किसी तरह वोट बैंक को अपनी तरफ कर लें, को के जहन डिसाइडेड हैं और वोटर्स डिसाइडेड हैं, लेकिन कुछ मामलात को जाहिर है कि इंतखाबात से पहले ये कोशिश की जाती है कि स्कैंडल्स खड़े किए जाएँ, जिसके अंदर अमेरिका में ट्रंप साहब के टैक्स के पेपर्स को सामने लाया गया है और इसको डिबेट बनाने की कोशिश की गई है कि जिस आदमी ने $750 टैक्स अदा किया हो जबकि उसके मुखालिफ लोगों ने $350,000-$450,000 की टैक्स पे किए हो, तो इसके अंदर एक कंपैरेटिव स्टडी इन्होंने देने की कोशिश की है कि कितनी स्टेट के साथ और टैक्सेशन के साथ और ऑनेस्टी मेंटेन की गई है प्रेसिडेंट ट्रंप ने की है। इसके अंदर जाहिर है कि हर इलेक्शन के अंदर खा वो इंतखाबात यूनिवर्सिटीज के हों, जिसे हम और आप दोनों फेस कर चुके हैं, या उसके बाद नेशनल लेवल पे हों या इंटरनेशनल लेवल पे हों, कोशिश ही की जाती है कि कैरेक्टर असैसिनेशन इज द लास्ट फेज एंड द लास्ट कार्ड इन एनी पॉलिटिकल वो। चुनांचे अब प्रेसिडेंशियल डिबेट जो कि 29th को हुई, उस डिबेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये देखेंगे कि प्रेसिडेंशियल डिबेट में इस बात की कोशिश यकीनन होती रही कि दूसरे को दबाया जाए और कैरेक्टर असैसिनेशन किया जाए। कैरेक्टर असैसिनेशन इज ऑलवेज अ लास्ट रिसॉर्ट। तो टैक्सेशन के मसले को उठाया गया है और अवाम इससे कितना मुतासर होती है, जो वोट बैंक ट्रंप का है वो बड़ा वाइटल है इसके अंदर। दूसरी चीज ये कि जो CNN ने रिपोर्ट लेटेस्ट दी है वो ये कि क्या ट्रंप ने 2016 के इंतखाबात के अंदर काले वोट्स को डिसवेट करने की कोशिश की, यानी परसुएट करने के बजाय डिसवेट किया, उनको एलिनेट किया, क्या इसके लिए ऐसे अटेम्प्ट्स हुए? तो रिपोर्ट्स, जो रिपोर्ट्स CNN ने दी है, यकीनन CNN की रिपोर्ट बायस्ड है, एंटी ट्रंप है और CNN की पॉलिसी एंटी ट्रंप चल रही है। उसके अंदर उन्होंने जाहिर करने की कोशिश की कि कालों के वोट को अलग करने की कोशिश की या उनको डिस्करेज करने की कोशिश की ट्रंप की कैंपेन में एक स्ट्रेटजी के तहत, और क्या ये चीज क्रिमिनल लॉ में आती है, किसी क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर आती है? तो इसका जवाब है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये चीजें विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ ये किया जा सकता है। तो स्ट्रेटजी कोई भी बना सकता है, तो स्ट्रेटजी के अंदर कोशिश जाहिर है पूरी डेमोक्रेट्स की होगी कि जो मिनोरिटीज हैं अमेरिका के, जिसके अंदर काले भी हैं, जिसके अंदर ब्राउन भी हैं, इन सबको इनके वोट बैंक को इकट्ठे करके एंटी ट्रंप दिलवाया जाए, इनको ये थ्रेट महसूस कराया जाए कि इमिग्रेंट पॉपुलेशन के लिए थ्रेट है ट्रंप का आना। तो ये तो हर पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट करेगा, वो अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि व्हाइट वोट बैंक को ज्यादा इन्फ्लुएंस करें कि वो वोट डालें और उनकी कमिटमेंट बढ़े कि व्हाइट को थ्रेट है अगर ट्रंप की गवर्नमेंट चली गई, और इधर ये बताया जाए कि मिनोरिटीज को थ्रेट है। तो ये सिलसिला चलता रहता है। यकीनन
असैसिनेशन के बाद दूसरी चीज ये कि रेशियल बेसिस पे कोशिश की जा रही है कि वोट बैंक को सिक्योर किया जाए और रीइंफोर्स किया जाए। उसके बाद फिर दूसरी चीजें जो इलेक्शन के अंदर कंसिडर होती हैं और जो कंसिडर होंगी यहाँ पर भी, वो ये कि कितनी एम्प्लॉयमेंट रेट रही, कितनी अनएम्प्लॉयमेंट रही, इकोनॉमी कहाँ पर गई, इकोनॉमी को कितना कंट्रोल किया, पेंडेमिक जो कोरोना COVID-19 का था उसने कितना इन्फ्लुएंस किया सोसाइटी को, उससे कितना डैमेज बिजनेसेस हुए हैं, उसको दोबारा उठाने के लिए क्या कोशिश हो सकती है और उसके लिए किस तरह इस इकोनॉमी को रिकवर किया जा सकता है और कौन सा कैंडिडेट ज्यादा बेहतर होगा। यकीनन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज किसी भी माशरे में है वो उसकी इकोनॉमी है। इकोनॉमी इज द बैकबोन। अगर लोगों को इकोनॉमिक फायदा नहीं होगा या इकोनॉमिक कंसेशंस नहीं मिलेंगी तो यकीनन वोट बैंक वहां पर डैमेज होगा। लेकिन मेरा नुक्ते नजर इस पर यह है कि रेशियल प्रोफाइलिंग करने से या रेशियल तौर पर किसी चीज की कोशिश करने से कि जी व्हाइट वोट बैंक इधर चला जाए और ब्लैक अफ्रीकन्स का इधर चला जाए, इससे इतना बड़ा इन्फ्लुएंस नहीं होना है। एक एक्चुअल इन्फ्लुएंस ये होना है कि किसके पास इकोनॉमिक विजन है मुल्क का और उसके बाद फिर किसके पास फॉरेन पॉलिसी विजन है कि अमेरिका की हेजमनी को वर्ल्ड के अंदर सस्टेन कर सके। इस वक्त कोरोना के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज किसी भी एनालिस्ट को नजर आ रही है वो ये है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो कोरोना से पहले था और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो कोरोना के बाद हुआ उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन था, तो मैं आपको ये बताता चलूं कि कोरोना से पहले अमेरिका की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $3 trillion से ऊपर थी और कोरोना के बाद इस वक्त अमेरिका के रिजर्व नंबर 10 के करीब आ गए, नीचे उतर। अच्छा, चाइना की रिजर्व नंबर 2 पर थी जो 1 point something trillion थी, इस वक्त चाइना के रिजर्व $3 trillion है और चाइना जंप कर गया है नंबर 1 पे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे। लेकिन ये बात आपकी नाज़रीन के सामने क्लियर मैं कर दूं कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इज नॉट द ओनली इंडिकेटर ऑफ एनी एफ्लुएंट सोसाइटी, ये इसका इंडिकेटर नहीं है। इंडिकेटर्स के और बहुत सारे हैं। कॉर्पोरेट अमेरिका इज वेरी बिग, कॉर्पोरेट अमेरिका कई एक चाइना खरीद सकता है। ये हो सकता है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में अमेरिका इस वक्त थोड़ा सा नीचे आ गया और चाइना ऊपर चला गया है, लेकिन दिस इज नॉट सस्टेनेबल। अब आइए कि ट्रंप साहब का विजन क्या है। ट्रंप का विजन इस अभी के अंदर ये है, वो वेदर वन लाइक्स इट और नॉट लाइक इट, कि ट्रंप चाइना को कंटेन करना चाहता है और मिनिमम ट्रेड बैलेंस रखना चाहता है चाइना के साथ। और अगर उसने ट्रेड बैलेंस को मिनिमाइज करने में कामयाबी हासिल कर ली तो चाइना को तकरीबन 578 बिलियन डॉलर का पॉजिटिव ट्रेड इनफ्लक्स जो यहां से हो रहा है उस पर नुकसान पहुंचेगा, विच मीन्स हैव अ ट्रिलियन डॉलर्स। एंड इफ दैट इफेक्ट्स चाइना देन सर्टेनली चाइना इज गोइंग टू हैव अ रियल प्रॉब्लम विद सच अ ह्यूज पॉपुलेशन टू फीड इन। अब ये पॉलिसी लॉन्ग टर्म चाइना को यकीनन डैमेज करेगी और जो लोग हम जैसे पाकिस्तानी जिनकी नजर थोड़ी कुछ विजन दूर पर है और चंद ईयर्स पर है, हम इस चीज को यकीनन बड़ी इससे देखते हैं माइन्यूटली कि इसके इम्प्लीकेशंस पाकिस्तान पे भी क्या होंगे। पाकिस्तान पे यकीनन इसके पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस नहीं है। चाइना के डूबने का मतलब ये कि पाकिस्तान की इस वक्त टोटल पॉलिसी एक तरफ चली गई है चाइना की तरफ, वो पॉलिसी बड़ी इफेक्टिव होगी। ट्रंप के जीतने के चांसेस मेरे ख्याल से अभी भी कहीं पर कोई डैमेज नहीं है, कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं आई है कि ट्रंप की पॉपुलैरिटी का ग्राफ नीचे चला जाए। अच्छा। अगर आप इस पे मजीद गुफ्तगू करना चाहें और कोई सवाल। मैं डॉक्टर साहब, ये तो आपका कॉन्फिडेंस है, लेकिन मैं अगर हमारे कनाडा के नाजरीन के लिए आपसे ये सवाल करूं कि जो हमारे ताल्लुकात रहे हैं पिछले 4 साल में, क्योंकि आप जानते हैं हमारे यहाँ लिबरल्स की गवर्नमेंट रही है और वहाँ पर ट्रंप की गवर्नमेंट रही है, जो जस्टिन ट्रूडो और ट्रंप के माबैन जो एक टग ऑफ वॉर चली है जिसमें हीटेड डिस्कशंस भी हुई हैं, कुछ सख्त अल्फाज का तबादला भी हुआ है, अगले 4 साल में आप कनाडा के हवाले से इन ताल्लुकात को कहाँ देखते हैं? देखिए, ये पॉलिटिकल एडजस्टमेंट्स हो जाती है। बेशक हॉस्टिलिटी, वेस्ट की हॉस्टिलिटी
पॉलिटिकल फ्रंट पे उस तरह से नहीं होती जिस तरह हमारी कंट्रीज के अंदर होती है, जिस तरह इंडिया पाकिस्तान की आपस में नेबरिंग कंट्रीज की हॉस्टिलिटीज एग्जिस्ट कर रही है और हर दूसरे रोज वॉर का एक थ्रेट नजर आता है। ऐसी कोई चीज अमेरिका और हम दोनों, आप कैनेडियन हैं और मैं अमेरिकन पाकिस्तानी हूँ, हम दोनों इन चीजों को समझते हैं कि ये इंटरेस्ट की जंग तो हो सकती है किसी जगह पे। इंटरेस्ट ये हो सकता है कि इनका इनकी ज्यादा सपोर्ट ग्रुप जो है वो वाइट पॉपुलेशन के अंदर है ट्रंप साहब की, और ट्रूडो की थोड़ी डाइवर्सिटी की तरफ ज्यादा चली गई है। तो इस डाइवर्सिटी और वन साइड यूनिलैटरल सपोर्ट दोनों के अंदर थोड़ा सा एक फर्क तो है, एक डिस्टेंस तो रहेगा, लेकिन ये डिस्टेंस कंटिन्यू नहीं करने वाला है इसलिए कि वेस्ट के अंदर ये चीजें कंटिन्यू करती नहीं है। लार्जर ऑब्जेक्टिव्स वेस्ट के एक ही हैं, वो ये कि डेमोक्रेसी, टू प्रिवेल डेमोक्रेसी, टू एनकरेज डेमोक्रेसी इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज एंड टू ब्रिंग डाइवर्सिटी एंड टॉलरेंस अमंगस्ट डिफरेंट फेथ। तो ये वो प्रिंसिपल्स हैं जिसको हम जैसे पढ़े लिखे पाकिस्तानी अमेरिकन या पाकिस्तानी कैनेडियन इसको इनकरेज करते हैं। हम समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा होना चाहिए, हम समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेटिक मीन्स को प्रमोट होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ को प्रमोट होना चाहिए, और जितनी क्राइसिस क्रिएट हो रही है वो हमारी इनटॉलरेंस, डाइवर्सिटी की इनटॉलरेंस से हो रही है, चाहे वो फेथ बेस्ड हो चाहे वो रेशल बेस्ड हो। तो ये एक ऐसे प्रिंसिपल है जिसको मतलब ट्रंप ने वोट बैंक मजबूत करने के लिए यकीनी बहुत सारी चीजें ऐसी की है जो लोगों को एतराज है जिन चीजों पर, लेकिन आई डू नॉट थिंक देयर इज एनी गुड रीजन फॉर इट अदर देन रीइंफोर्सिंग द सपोर्ट ग्रुप विद इन द यूनाइटेड स्टेट्स। उसके अलावा कोई और रीजन नहीं है। ट्रंप एज सच बायस्ड नहीं है, मैं नहीं कहूंगा कि उनका एटीट्यूड कोई के साथ होगा। ये अगर ऐसा हो तो डॉक्टर साहब बहुत अच्छा है, अदरवाइज तो हमने ये और आपने देखा है कि ओबामा के दौर में जो ताल्लुकात थे अब वैसे ताल्लुकात तो नहीं है। ठीक है, मतलब कनाडा इतना क्लोज है, बॉर्डर्स इतने लंबे बॉर्डर हैं दोनों मुल्कों के दरमियान, इतने देर से ये पड़ोसी मुल्क हैं कि इनमें इन सारी चीज़ों से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि आपकी ये ख्वाहिश कि इससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क ना पड़े, हमें उम्मीद तो यही रखनी चाहिए कि ऐसा ही हो। साथ ही मैं एक और, अभी आपने थोड़ी देर पहले ऐड की थी डॉक्टर साहब बात, और आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ कि हम दोनों स्टूडेंट पॉलिटिक्स से ऊपर आए हैं, और यहाँ कुछ लोगों का ख्याल था, मैंने कहीं पे पढ़ा कि मुझसे कोई पूछ रहे थे कि साहब वो आप वोट की ताकत को जानते हैं नहीं जानते हैं, कभी आप इलेक्ट हुए हैं, तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि हम वोट की ताकत, मुझे आपकी बात को ऐड कर लेने दीजिए। जी जी जी, देखिए आपके वो नाज़रीन जो जो मुझे या आसिफ इकबाल सैयद साहब को नहीं जानते हैं, जी यकीनन तभी अरसा गुजर गया है, चार डिकेड्स ढाई पहले की बात हम कर रहे हैं, तो आपके इल्म में ये मैं दिया हूं कि पाकिस्तान के अंदर दो बड़ी जामियात थी, बाकी छोटी जामियात थी जिसमें से यूनिवर्सिटी और पेशावर यूनिवर्सिटी थी, लेकिन एक्चुअल बड़ी जामियात जो बड़े कॉलेजेस को रिप्रेजेंट सुबह पंजाब के अंदर करती थी और कराची के अंदर करती थी, उसका नाम कराची यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी था। और ये वो दौर था जब कराची यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी अपनी ताकत का भरपूर मुजाहरा इनकी स्टूडेंट्स यूनियंस करती थी, और पाकिस्तान की सियासत यकीनन यूथ के गिर्द घूमा करती थी। इसकी तबाही उस वक्त हुई मेरी नजर में, मतलब बहुत सारे आपके और मेरे बात से एग्री नहीं करेंगे और मैं उनको पूरी समझता हूँ, उनका प्रिविलेज है कि इख्तलाफ करें। जब से कराची में एमक्यूएम आई और जिया साहब ने स्टूडेंट्स यूनियंस पे पाबंदियां लगाई, उसके बाद से ये नर्सरी जो नर्चर कर रही थी लीडरशिप को पाकिस्तान के अंदर, जिसके अंदर जावेद हाशमी पैदा हुआ, जिसके अंदर लियाकत बलोच पैदा हुआ, जिसके अंदर एजाज शफी गिलानी पैदा हुआ, जिसके अंदर कई एक लोग पैदा हुए आज पार्लियामेंट, सारे लोग बैठे हुए पार्लियामेंट के अंदर, तो हम भी उसी ही नर्सरी की पैदावार थे। जी जी, हुसैन अकानी को आप भूल नहीं सकते। जी जी जी, हमारे अंदर कमी क्यों हुई, उसकी वजह यह है कि सक्सेसिव गवर्नमेंट्स जो पाकिस्तान के अंदर आती रही नॉन डेमोक्रेटिक मींस से, और वो गवर्नमेंट्स जो डेमोक्रेसी तो कहलाती रही लेकिन पीछे हाथ नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस का था उनको नर्चर कर रहे थे,
चुनांचे तमाम पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल चेंजेस आई हमारे बाद, उसके अंदर एक्चुअल डेमोक्रेसी नाम की चीज बहुत कम नजर आई। मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं थी, बहुत कम नजर आई। और हमेशा इस बात की कोशिश की जाती रही कि हमसे बड़े कद का कोई लीडर ना आ सके, अगर वो आ गया तो हम दब जाएंगे। और आपको ये भी मैं बताऊं नाजरीन कि पॉलिटिकल पार्टीज की आज भी ये कोशिश होती है कि आसिफ अकबर सैयद साहब को अगर हम लेकर आ गए तो ये तो पुराने स्टूडेंट लीडर हैं, पुराने खिलाड़ी हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इनका कद हमारे कद को दबा जाए। ये पाकिस्तान की बड़ी मेजर प्रॉब्लम है। पाकिस्तान की मेजर प्रॉब्लम ये है कि मेरिट इज डी मेरिट इन पाकिस्तान। अगर मेरिट को मेरिट समझा जाए और मेरिट को उसका हक दिया जाए तो आज पाकिस्तान वहां पर खड़ा नहीं होता जहां पर पाकिस्तान खड़ा है। हमने उस स्टूडेंट पॉलिटिक्स को जन्म दिया और उस स्टूडेंट पॉलिटिक्स के पार्ट एंड पार्सल रहे जिसने मेरिट को प्रमोट। बिल्कुल, थोड़ा सा जी जी नहीं, मैं ये बरसबील तस्करा आया है, मैंने कहा आपसे मतलब हमारे नाजरीन को बता दूं कि हम मतलब कोई ऊपर से उठकर नहीं आए हैं। हम ज़ाहिर है यहाँ से स्टूडेंट पॉलिटिक्स से और वोट लेकर जीत कर आए हैं। मैं तो यहाँ पर भी कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैं इलेक्शंस छोटे ही पैमाने पर सही लड़ चुका हूँ और जीत भी चुका हूँ। आपके बारे में भी मैं जानता हूं कि आपने पाकिस्तान जाके एक्टिव पॉलिटिक्स में दोबारा एक जलजला पैदा किया। और मुझे याद है, मैं सुनता रहा हूं इन दिनों को, जब एमकेएम के पीक के दौर में आप वहां गए हैं, आपने वहां पे पूरी मुहिम चलाई है, आप एडवाइज़र रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त हम चलते हैं एक वक्फे की जानिब। वक्फे से हम जब वापस आएंगे तो हम डॉक्टर साहब से और मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, आप हमारे साथ ही रहिएगा। जी नाज़रीन, वक्फे से एक बार फिर हम वापस आए हैं और उम्मीद यही है कि आप हमारे साथ रहे होंगे। हमारे साथ पिछले सेगमेंट में डॉक्टर ग़ुलाम मुश्तबा न्यूयॉर्क से जुड़े हुए थे, CEO हैं, चेयरमैन हैं पाकिस्तान पॉलिसी इंस्टीट्यूट के। आइए हम एक बार फिर डॉक्टर ग़ुलाम मुश्तबा से पाकिस्तान के हालात पर अब तबसरा करेंगे। डॉक्टर साहब, बड़ी सैर हासिल आपने न्यूयॉर्क की, अमेरिका की सूरत हाल, कैनेडा की, अमेरिका की, ताल्लुकात की बात कर ली है। मैं चाहूँगा कि अभी 3 दिन पहले की एक ख़बर पहले हम डिस्कस कर लें, जो शहबाज शरीफ की गिरफ़्तारी हुई और उसके बाद जो है जो हालात हुए, ये सारे लास्ट प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया था कि APC की कंटिन्यूटी थी, तो इस बारे में आप क्या बताएंगे? देखिए, बात ये है कि इस वक्त दो वाकयात बड़े कॉन्करेंटली हो गए। पहला वाकया ये था कि डॉन की रिपोर्ट, द न्यूज की रिपोर्ट और पाकिस्तान के तमाम बड़े अखबारात की रिपोर्ट ये थी, जो पूरे 22 सितंबर को आपके नाजरीन डॉन को ऑनलाइन देख सकते हैं, जिसमें ये रिपोर्ट किया गया कि नैब ने मौलाना फजलुर रहमान साहब को नैब की अदालत में कॉल किया है और 1 तारीख को उनको हाजिरी देनी है जी। इसके बाद इसके अंदर रेफरेंस तमाम अखबारात ने ये दिया कि जनाब नैब के चेयरमैन ने उस कागज पे दस्तखत 18 सितंबर को कर दिया था। अच्छा। रिपोर्ट 22 को और 18 सितंबर को उन्होंने, ये मैं सारी अखबारात से कोट कर रहा हूँ, मेरी तरफ से विम्सिकल कुछ नहीं है, ये सारी चीजें ऑडिट हैं। और 18 सितंबर को ये पेपर साइन हुआ और 22 सितंबर को अखबारात को बताया गया और 1 अक्टूबर को मौलाना फजलुर रहमान साहब को अदालत में नैब के हाजिर होना था। उसके बाद इन्होंने शहबाज शरीफ साहब का की बेल को खत्म किया और इनको अरेस्ट किया गया। जब इनको अरेस्ट किया गया तो क्या आपके सामीन ने वो क्लिप देखी जो अरेस्ट के बाद के दौरान हुई वहां पे? ये क्लिप मेरे पास मेरे टेलीफोन पर मौजूद है, अगर आप कहेंगे तो मैं भी दिखा दूंगा। इस पे उन्होंने हजारों की तादाद में लोग मौजूद थे और जो नारे लगे
जी वो नारे अफवाज पाकिस्तान नहीं, बर्री फौज के सरबराह के खिलाफ नारे, बाय नेम, बाय नेम, और बाय नेम, जी हाँ, बाय नेम नारे लगे। और ये वो नारा था जो नारा मैंने और आपने जब हम कॉलेज में पढ़ते थे उस वक्त ये नारा लगा था कराची के अंदर, सिंध के अंदर, पंजाब के अंदर और मशरकी पाकिस्तान के अंदर अय्यूब खान के खिलाफ, यही नारा एग्जैक्ट। ओह अच्छा। जिसमें एक जानवर का नाम दिया गया और उस जानवर से तशबीह दी गई अय्यूब खान को और मुर्दाबाद के नारे लगाए। एग्जैक्टली यहाँ नाम तब्दील हो गया और बाकी नारा वही था। अच्छा, जानवर भी वही था, नारा भी जानवर, उस जानवर का जिसका मैं जिक्र नहीं कर। अच्छा, तो अब बात यह है कि ये नौबत क्यों आई। जी हाँ। और उसके बाद ये हुआ कि पहली तारीख को मौलाना साहब को अपियर होना था। मौलाना साहब के भाई अताउर रहमान समा टीवी पर आए परसों, और समा टीवी पर आकर उन्होंने कहा एंकर को, खातून एंकर को 7 to 8 के प्रोग्राम के अंदर कि जी उन्होंने कहा कि मौलाना साहब पहली तारीख को अपियर हो रहे हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल अपियर होंगे लेकिन अभी तक नोटिस रिसीव नहीं हुआ है। अच्छा, अगर नोटिस होगा तो अपियर होंगे। फिर खातून एंकर ने ये पूछा कि आप ये बताइए कि आपकी क्या डिफेंस होगी, आप क्या करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, तो तन्हा अपियर नहीं होंगे, ये मौलाना तौर रहमान ने कहा। अच्छा। वो तन्हा अपियर नहीं होंगे, लाखों की तादाद में हमारे सपोर्टर्स होंगे और वो मुजाहरा करेंगे। तो खातून एंकर ने पूछा कि यह आप बताइए कि ये मुजाहरा नैब के दफ्तर के सामने होगा। उन्होंने कहा नहीं, ये नैब के दफ्तर के सामने नहीं होगा, ये कोर कमांडर पेशावर के घर के सामने मुजाहरा होगा। ओह अच्छा। अब आपको कैच में बताता हूँ दोनों चीजों में, जो शहबाज शरीफ की बात आपने की और अभी जी, हम दोनों पॉलिटिक्स से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं और हम दोनों को ये बात और आपके नाजरीन को ये बात पता है कि इमरान खान ने एक घर में बैठकर इक्तदार में आने से पहले ये कहा कि ये जनरल बहुत डरपोक होते हैं। ये मेरा बयान नहीं है, जी जी। मैं फिर करेक्ट कर देता हूँ, ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ, इंपोर्टेड कॉमास में कोट कर रहा हूँ। ये जनरल बहुत कमजोर होते हैं, 20,000 लोगों को सड़क पर ले आओ इनका पेशाब निकल जाता है, ये यूट्यूब पे मौजूद है। जी हाँ। चुनांचे अगर इमरान खान की उस प्रीमाइज को सामने रखा जाए कि 20,000 लोग आ जाते हैं और पेशाब निकल जाता है, तो यहां पर अताउर रहमान ये कह रहे हैं कि हम 30,00,000 लोग लेकर आएंगे, 3 मिलियन लेकर आएंगे, और कोर कमांडर के सामने यानी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से भी नीचे दर्जे के जनरल के पास हम खड़ा करेंगे। तो जब 20,000 पे आप कहते हैं पेशाब निकल जाता है, तो आपकी ही बात को सामने रखते हुए 30,00,000 पे क्या होगा। तो उस दिन हमें ये बात परसों समझ में आ गई कि अब ये अदालत इनको कॉल नहीं करेगी। आज मुझे एक अपने फौजी दोस्त ने क्लिप भेजा। अच्छा। और मैंने कहा कि मैं जिंदाबाद टीवी पे ये एयर करूंगा, इस बात को बताऊंगा जो आपने क्लिप भेजा है, नाम नहीं लूंगा मैं। उन्होंने भेजा, उन्होंने कहा देखिए डॉक्टर साहब ये प्रोग्राम आया है दुनिया टीवी पर अभी अभी 2 घंटे पहले। अच्छा। बोलिए ये प्रोग्राम आया, ये क्लिप देखिए, दुनिया टीवी ने ये कहा है कि नैब ने ये कहा है कि हमने इस पसंद का कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला है, निकाला ही नहीं। अभी हम गौर कर रहे हैं और इस बात को इन्वेस्टिगेट करेंगे जो इनके मुताबिक हमारे पास रिपोर्ट्स आई हैं, उसके बाद हम फैसला करेंगे कि क्या करना है। क्या बात। मैंने कहा आप डिफेंस ना कीजिए उस चीज की, आप स्ट्रेट बोलिए कि आपने हाथ पैर आपके ठंडे पड़ गए, आपको हिम्मत ही नहीं हुई, जो बात आपने 18 तारीख को साइन किया था वो पेपर कहाँ है जिसमें आपने अपीयरेंस को कहा, उस वक्त क्यों नहीं आपने ये बात कही कि इन्वेस्टिगेशन होगी और ये ड्यू प्रोसेस है और प्रोसेस से गुजरेगा। अताउर रहमान की बात के बाद ऐसा क्यों हुआ। अब आपको आइए मैं फाइनल बात बताऊं, फजलुर रहमान की क्लिप मैंने भी देखी जो न्यूज 24 पर है और आपके बड़े हंसते वे कहा और ही मशकूक जुमला उनका और बड़ा ही फनी जुमला था, बोल रहे कि हाँ इनको ऐसा करने तो दीजिए, पहले हिम्मत तो करें, ये कर रहे। अच्छा। ये कार्ड जो इन्होंने, और
आगे ये भी बोला कि शहबाज शरीफ तो खुद अंदर हो गए और फिर हंसे वो। इसका मतलब मैं समझता हूं क्या था, इसका मतलब ये था कि शहबाज शरीफ जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ चलना चाहते थे, इसी करेक्शन आपको करता हूँ, शहबाज शरीफ इज ए गुड फ्रेंड ऑफ माइन। मुशरफ के दौर में जो मामला तय होना था मुशरफ और इनके दरमियान, उसको मैंने ही डील किया था और ये पब्लिश रिपोर्ट है। शहबाज शरीफ साहब की ये बात मैं भी अजाए मजाक ही कह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब ने तो बड़ी कोशिश की थी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर काम करें, लेकिन अब खुद अंदर हो गए, बेटा भी अंदर हो गया। तो वो आदमी जो आपके साथ चलना चाहता था उसको आप हार्ड लाइन पर खुद ले आए। और मौलाना ने कह दिया कि जी ये 30 लाख लोग कोर कमांडर के घर के सामने होंगे। नतीजा इसका ये हुआ कि आपके अंदर हिम्मत नहीं हो सकी कि आप मौलाना को बुला सके। दैट वाज अ लेसन फॉर शहबाज शरीफ आल्सो। व्हेन यू गो एग्रेसिव ऑन सर्टेन प्रिंसिपल स्टैंड्स, हम मौलाना को प्लीड नहीं कर रहे, ना हम में से कोई मौलाना की पॉलिटिक्स से एग्री कर रहा है, लेकिन जो स्ट्रेटजी मौलाना ने अपनाई वो स्ट्रेटजी वर्क कर गई। और जो स्ट्रेटजी शहबाज शरीफ ने की वो वर्क नहीं कर सकती। बात दरअसल ये है कि अब इस वक्त सिचुएशन ग्राउंड रियलिटी पाकिस्तान की क्या है, जो हमारे वो नाजरीन जो कनाडा और अमेरिका में रहते हैं और चीजों से ग्राउंड रियलिटी से सिवाय टेलीफोन पे अपने अहबाब से बात करने के उनको नहीं पता, उनको ये बता दूं मैं कि इस वक्त फौज के अंदर हमें शुबा है एक ऐसी तादाद लोगों की मौजूद है जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करती है, जिस तरह सिविलियंस करते हैं। फौज सिविलियंस से मुख्तलिफ आबादी नहीं है, ये उन्हीं सिविलियंस के बच्चे हैं जो फौज के अंदर है। तो उनमें से ऐसे लोग हैं जो पीपुल्स पार्टी की हिमायत भी करते हैं, ऐसे लोग हैं जो मुस्लिम लीग की हिमायत भी करते हैं, ऐसे लोग हैं जो पीटीआई की हिमायत भी करते हैं। तो आप अगर पीटीआई को फौज के साथ नथी कर देंगे तो वो लोग जो फौज के अंदर हैं और पीएमएलएन के सपोर्टर्स हैं और पीपुल्स पार्टी के सपोर्टर्स हैं उनको आप आइसोलेट कर देंगे, उनके अंदर एक रिजेंटमेंट आई। जब आपने ये अकाउंटेबिलिटी की छड़ी नैब के नाम एक पार्टी दो पार्टी और अपोजिशन की पार्टीज के खिलाफ करना शुरू किया और बीच में उन तमाम लोगों को जिन्होंने शेरवानियां तो बदल ली, चेहरे वही थे, खा वो परवेज अदाई हो, खा वो खुसरो हो, खा वो बुखारी हो, खा वो कोई भी हो, ये सब वही चेहरे हैं जो पुरानी काबीना में मौजूद थे, चाहे वो शाह महमूद कुरैशी हो, कल तक पीपुल्स पार्टी में था, आज यहां पर आ गया। तो ये तब्दीली चेहरे की तब्दीली तो नहीं, चेहरे वही है, शेरवानियां बदल रही है लोगों ने। इस शेरवानी के बदलने से आप ये कह रहे हैं कि जिन्होंने शेरवानी नहीं बदली है उनका एहतसाब होगा और उनको हम जेल में डालेंगे, और जिन्होंने शेरवानी बदल ली है, जिन्होंने कराची के अंदर बल्तिया टाउन के अंदर आग लगाया हो फैक्ट्री को और लोगों को मार डाला हो और शेरवानी बदलकर आपके साथ बैठ गए हो, या वो लोग जो आपका साथ दे रहे हैं आज और कल तक कहीं और थे और वो कल तक तो बुरे थे आज अच्छे हो गए, तो क्या शेरवानी बदलना पाकिस्तान के अंदर ट्रांसपेरेंसी का मियार है? अगर ये मियार है तो ये आवाम के लिए काबिल कबूल नहीं। किसी भी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के लिए, किसी भी ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस के अंदर इसको पार्ट नहीं बनाया जा सकता है। पाकिस्तान के अंदर इसके खिलाफ सख्त रिजेंटमेंट एग्जिस्ट करता है। पाकिस्तान की तबाही जो लोग करते रहे, 10 साल पहले भी वही वजीर खारजा थे, 15 साल पहले भी वही वजीर खारजा थे और आज भी वही वजीर खारजा है, तो आपने क्या चीज तब्दील की है सिवाय लॉयल्टीज बदली है, टर्न कोर्स को आपने प्रमोट किया है पाकिस्तान के अंदर, ये चीजें पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर ले आई हैं। आज इकोनॉमिक कंडीशन पाकिस्तान की यह है कि IMF की रिपोर्ट के मुताबिक जब हमारे खान साहब तशरीफ लाए थे पावर में और PMLN की गवर्नमेंट इससे पहले जब थी, तो पाकिस्तान का नेट फॉरेन डेट $98 बिलियन था। आज पाकिस्तान का 2 साल के अंदर फॉरेन डेट $210 बिलियन से डबल है, 2 साल में 2 गुना बढ़ा है और 70 साल में $98 बिलियन था। इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं। ये वो कहते हैं कि जी हमने कर्जा दे दिया और कर्जे को पे करते रहे, तो कर्जा तो भाई $98 बिलियन था, आज आप 210 पर हैं, किस तरह 2 साल में आप हुए, कौन सा रेशियो आप तो बैंकर रहे हैं आसिफ कुमार साहब, आप वाइस प्रेसिडेंट रहे बैंक के, आप ये बताइए कि वो कौन सा फॉर्मूला है कि 2 साल के अंदर ये 100% इंक्रीज कर गया है, पॉसिबल नहीं। आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को रख भी लें तो 98 को मैक्सिमम 110 होना था,
$210 बिलियन कहां से, वो और वो पैसे कहां गए? महंगाई वहीं गिरानी, वहीं चीजें ऊपर जा रही है, स्काई रॉकेट कर रही है, लाइफ सेविंग ड्रग्स नहीं मिल पा रही है लोगों को, लोगों की बेसिक नेसेसिटीज पूरी नहीं हो पा रही है। ऐसी सूरत हाल के अंदर कि मैं आपको एक वाकया बताता हूँ कि एक मेरा दोस्त जो एनर्जी इंजीनियरिंग कॉलेज में हमारे जमाने के अंदर था और बहुत अच्छा राइटर है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, उसने कहा कि यार आपको मैं क्या बताऊं, मेरा साला जो है वो पैसे बाहर से लेकर आया और 3-4 लाख की उसकी रेंटल आमदनी थी जिससे घर उसका चलता था जब वो सऊदी अरब से आ गया है पाकिस्तान वापस। अभी उसके किरायेदार कहते हैं कि लीजिए सर गोली लीजिए और गोली मार दीजिए मुझे, मैं पैसा कहां से लाऊं कोरोना कोविड के बाद और इस बारिशों के बाद, मेरे पास पैसे ही नहीं है, आप गोली मार दें मैं आपको इजाजत देता हूँ। तो आप बताइए कि वो गोली खाने को तैयार है लोग, उनके पास पैसे रेंटल देने को तैयार नहीं है। तो एक मिसाल दी आपको, तो लोगों की इकोनॉमी कोलैप्स कर गई, इसका कोई स्टिमुलस पैकेज नहीं है ना, हालात नॉर्मल चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, फ्रस्ट्रेशन बढ़ती चली जा रही है, इस फ्रस्ट्रेशन का रिजल्ट डायगोनल वर्टिकल अप डाउन हर तरह से यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो है लोग फ्रस्ट्रेशन डाल रहे हैं। कभी आप गुलिस्तान जौहर में देखते हैं कि वो सेक्टेरियन फसाद की कोई आकर थीली लगा जाता है, कभी रेशियल फसाद की सिंधी और महाजिर फसाद की थीली लगा जाता है, कभी वजीरिस्तान के अंदर आप फ्रस्ट्रेट लोगों को करते हैं, उनको मारते हैं और कहते हैं कि ये दहशत गर्द हैं और आप बाहर से पैसा लेने के चक्कर में आप गलत स्टेटमेंट इशू करते हैं, उनको फ्रस्ट्रेट करते हैं। आप ये देखिए कि द फ्रस्ट्रेशन हैज गॉन टू इट्स हाइट इन वजीरिस्तान। इन वजीरिस्तान एक बहुत खूबसूरत नौजवान कैप्टन की तस्वीर लगा दी कि जी देखिए ये हमारे शहीद हैं। बात यह कि ये शहीद कहाँ पे, जब अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे और शहादत, हम उनकी अजमत को सलाम करते हैं और ऐसे फौजियों को जो पाकिस्तान के डिफेंस में खड़े हैं, लेकिन हम ये सवाल पूछते हैं कि इनकी शहादत किस जगह को कब्जा करने के लिए हुई? पाकिस्तान को कब्जा करने की, वजीरिस्तान को कब्जा करने की, अपनी ही आबादी को कब्जा करने की? क्या हम पाकिस्तान को फतह करने निकले और DHA बनाने निकले? आज कराची की जो जमीने हैं उसके अंदर 45% जमीन DHA है, पाकिस्तान की कंटोनमेंट्स के अंदर है। क्यों ऐसा है? Why only 45% of the territory of Karachi is under the domain of the cantonment? Why is that? ये दुनिया में कहाँ होता है? आज मैं न्यूयॉर्क में रहता हूँ, कहाँ पे आप ये बताएंगे कि जी फौजियों की 45% जमीन है यहाँ पे? आप टोरंटो में रहते हैं, कहाँ पे आप बताएंगे कि 45% जो है वो मिसिसागा के अंदर फौजियों की जमीन है? That's not right. हर जगह आपने PIA के अंदर बैठा दिया, आपने स्टील मिल के अंदर बैठा दिया, आपने रेलवे के अंदर बैठा दिया, आपने नैप के अंदर बैठा दिया, सारे नैप के डायरेक्टर्स आपने उठाकर बैठा दिए रिटायर्ड लोगों को। मतलब दिस इज नॉट फेयर, इसके अंदर आप कॉन्फ्रंटेशन पैदा कर रहे हैं और लोग ये सवाल करते हैं कि आप ये कह रहे हैं कि वॉर जोन के अंदर है, कौन सी वॉर हो रही है? वॉर आपकी ऑडियंस को मैं बड़ा क्लियर कर देना चाहता हूँ आसिफ साहब, एंड दे शुड लिसन इट वेरी केयरफुल, पाकिस्तान इज नॉट इन ए पोजिशन टू फाइट वॉर विद इंडिया। लेट दिस बी वेरी क्लियर, पाकिस्तान के पास इतने पैसे नहीं है 20 दिन की वॉर अफोर्ड कर सके पाकिस्तान। इंडिया का इस वक्त फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $610 बिलियन है, $610 बिलियन। और इसको समझने के लिए आपके ऑडियंस के लिए जिनको यह नहीं पता इस फिगर का मतलब क्या है, पाकिस्तान का नेट एनुअल बजट $45 बिलियन। इसका मकसद यह हुआ कि 10 साल पाकिस्तान का जो बजट बनेगा वो इंडिया का इस वक्त रिजर्व है और आपका रिजर्व $5-6 बिलियन से ज्यादा नहीं है, $606 बिलियन पाकिस्तान रिजर्व। पाकिस्तान जो फिगर शो कर रहा है PTI की गवर्नमेंट, वो दिखा रही है कि जी हमारे पास $12-15 बिलियन है, उसके अंदर $7 बिलियन जो लोगों के प्राइवेट अकाउंट्स हैं, यू आर ए बैंकर, प्राइवेट अकाउंट्स के जो पैसे हैं उस पैसे को मिला रहे हैं नेशनल एक्सचेकर के पैसे से और बता रहे हैं कि जी 12-13 बिलियन। नो सर, your money is only $5 बिलियन which the Pakistan treasury has it. It is the money of the private industries in Pakistan. Private जो पाकिस्तानी overseas बैठे हुए हैं उनके पैसे हैं। तो आपके पास अगर ये मान भी लिया जाए कि $12 बिलियन जो आप दिखा रहे हैं वो दुरुस्त है, तो यहाँ पर $600 बिलियन इंडिया का रिजर्व है। आप कहाँ मुकाबला करेंगे वॉर के अंदर? वॉर के अंदर सिर्फ आपके बोलने से और नारे लगाने से नहीं होता है, you have to face a war where you will need the resources to fight the war. Where are the resources? पाकिस्तान के पास resources नहीं है। तो ये कहानियां जो आकर देते हैं हमारे बर्री फौज के सरबरा के जंग के लिए तैयार हो जाओ, हम बहुत ही है, क्यों झूठ बोलते हैं? वहां जंग के लिए रिसोर्सेस ही नहीं है,
जंग पाकिस्तान इंडिया की नहीं होगी, इसी वजह से कश्मीर को इंडिया खा गया, कश्मीर को इंडिया खा गया, इंडिया न्यू, मोदी न्यू दैट पाकिस्तान इज इन नो पोजीशन टू फाइट अ वॉर एंड वी कैन डू इट, पेपर को हम इधर साइन कर देंगे, 370 को एग्रीगेट कर देंगे, पाकिस्तान वॉर नहीं कर सकेगा, पाकिस्तान वॉर नहीं कर सका। और ये बात बहुत क्लियर होनी चाहिए कि वॉर की कहानी झूठी कहानी, इज नो सच थिंग एज गुड एज अ वॉर, इस वक्त पाकिस्तान वॉर में जा ही नहीं सकता। अब इंडिया क्या करेगा इस सिचुएशन के अंदर, जब आपकी इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो गई, पाकिस्तान के अंदर अपने लोगों को छोड़ेगा और पाकिस्तान के अंदर क्योस और अनार्की पैदा करेगा। एक बात आपको भी पता है और मुझे भी पता है, 1971 के दौर में आपको मैं ले जाता हूँ, जब आप कॉलेज में पढ़ रहे थे और जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था, मशरकी पाकिस्तान के फॉल की रीजन क्या थी? मशरकी पाकिस्तान की फॉल की रीजन ये थी कि लोगों ने फौज के खिलाफ हथियार उठा लिया, बंगालियों ने, बंगाली फौज के खिलाफ हो गया था। वो ये समझता था कि फौज जो है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान इज वर्किंग अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द बंगाली नेशन एंड दे टुक देयर आर्म्स ऑन अगेंस्ट द फौज ऑफ पाकिस्तान। ये खतरनाक बात पाकिस्तान में कभी नहीं हुई, कभी पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ कि बलोचियों ने फौज के खिलाफ हथियार उठाया हो, या सिंधियों ने फौज के खिलाफ किया हो, या पंजाबियों ने किया हो, जो भी हमारे यहाँ नेशनलिटीज एग्जिस्ट करती है। लेकिन ये पहली बार पाकिस्तान की तारीख में हुआ है कि फौज, बड़ी फौज के खिलाफ मारे लगे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। ये बहुत बड़ा अलमिया है पाकिस्तान का, एंड वी एज पैट्रियट पाकिस्तानीज एंड पैट्रियट पाकिस्तानी अमेरिकन एंड पैट्रियट पाकिस्तानी कैनेडियंस, वी फील अशेम्ड ऑफ इट। एंड और हमारे लिए ये लम्हा फिक्रिया है कि ऐसा क्यों हुआ, फौज के खिलाफ कैसे नारे लग गए, फौज के सरबराह के खिलाफ नारे, यही यही काम अय्यूब खान के जमाने में हुआ, अय्यूब खान ने रिजाइन करके दे रख दिया कि जी इट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू मी कि जब मेरे खिलाफ इस तरह के नारे लगे। लेकिन यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ तो बड़े आसार मजबूत हैं, ये नारे लगने के बाद भी आप खड़े हुए हैं कि जी पिज्जा खाइए और वेटरन्स पिज्जा दे हम बनाए। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमें आपको फिर जहमत दी है, इंशाल्लाह आइंदा प्रोग्रामों में फिर जहमत देते रहेंगे, आपके ख्यालात सुनते रहेंगे, नाज़रीन तक पहुंचाते रहेंगे। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ पाकिस्तान पॉलिसी इंस्टीट्यूट के चेयरमैन CEO डॉक्टर ग़ुलाम मुश्तबा। इस वक्त हम एक वक्फे की जानिब जाते हैं और वक्फे से वापसी पर हमारे साथ एक नए गेस्ट जुड़ेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। जी नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम, एक बार फिर आपको खुश आमदीद। वक्फे से पहले हमने आपसे ज़िक्र किया था कि हम एक नए गेस्ट के साथ जुड़ेंगे, हमारी ये नई गेस्ट मिल्टन से समीरा अली थी, लेकिन क्योंकि इस वक्त वो अपनी नॉमिनेशन कैंपेन में बिज़ी हैं इसलिए वो हमारे साथ इस वक्त नहीं है शामिल। हम किसी आइंदा के प्रोग्राम में उनको ज़रूर मदू करेंगे। लेकिन मेरे पास रिज़ल्ट हैं मिसिसागा माल्टन की लिबरल नॉमिनेशन की, जिसके मुताबिक वहाँ 5 कैंडिडेट थे और एहसन खांदकर 53, जवाद हारून 87, असलम राना 209, मनु दत्ता 388 और माल्टन मिसिसागा से जीतने वाले उम्मीदवार हमारे दोस्त आत्मा सिंह गिल के साहबजादे अमन गिल 566 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं। इसके साथ ही आपको बताया था कि स्कारबरो सेंटर में 6 अक्टूबर को नॉमिनेशन इलेक्शन होने वाले हैं, जिसमें मज़र शफी के कैंडिडेट हैं और दूसरी कैंडिडेट तस्नीम बाला हैं। अगर हम मिसिसागा वापस आएं तो खुक्सविल की राइडिंग में 7 अक्टूबर को नॉमिनेशन मीटिंग है और क्लियर विनर आप कह सकते हैं, क्योंकि इस कुक्सविल की राइडिंग में, मिसिसागा कुक्सविल की राइडिंग में सिर्फ एक ही कैंडिडेट हैं, दीपिका दमरला, और ख़्याल यह है कि वही इस कुक्सविल राइडिंग से अक्लेम्ड होंगी। मैं इसके साथ ही एक वजाहत भी कर दूं, हमारे पिछले प्रोग्राम में ये हमने कहीं कहा था ड्यूरिंग डिस्कशन
दीपिका दामेरला को पैराशूट किया गया था जब वो इस प्रोविंशियल पॉलिटिक्स में आई थी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने चेक किया है, 6 जून 2011 को ये नॉमिनेशन इलेक्शन हुआ था और इसमें दो फ्रंट रनर थे, दीपिका दामेरला थी और दूसरी रनर थी जो इत्तेफाक से नहीं जीत सकी, वो थी नैन्सी फोंसेका। दीपिका दामेरला इस नॉमिनेशन इलेक्शन में जीती थी और उसके बाद ही उन्होंने प्रोविंशियल इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था। साथ ही अगर हम चलें एरन मिल्स की राइडिंग में, तो 8 अक्टूबर को वहाँ से इमरान मियां अक्लेम्ड होने वाले हैं। इसकी वजह यह है कि एरन मिल राइडिंग से किसी ने अपने कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए और वाहिद उम्मीदवार इमरान मियां थे, इसलिए अब एक फॉर्मेलिटी के तौर पे, वैसे सब जानते हैं कि वो अक्लेम हो चुके हैं, लेकिन फॉर्मेलिटी के तौर पे लिबरल की नॉमिनेशन मीटिंग में उन्हें अक्लेम डिक्लेयर किया जाएगा। साथ ही अगले हफ्ते मिसिसागा सेंटर राइडिंग में इलेक्शन होने जा रहा है नॉमिनेशन का, इसमें हमारी कम्युनिटी की समीरा मलिक हैं, साथ ही कविता बासी, मनीषा श्रीवास्तवा और शरणजीत परमार कैंडिडेट हैं। एक कैंडिडेट बॉबी डेड भी थी, लेकिन आज ही सुनने में आया है कि शायद वो इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रही हैं या उनके मेंबरशिप की तादाद कम है। उम्मीद यही की जा सकती है कि मुकाबला तो यकीनन सख्त होगा, लेकिन समीरा मलिक के जीतने के बहुत चांसेस हैं। हमें उम्मीद तो यही है कि हमारे वो लोग जो समीरा मलिक के मेंबर बने थे, रजिस्ट्रेशन करवाई है, वो ज़रूर इस वोटिंग में हिस्सा लेंगे। हम जीतने वाले उम्मीदवार का ऐलान अगली नशियात में करेंगे। इसके साथ ही नाजरीन, स्कारबोरो सेंटर हम डिस्कस कर चुके हैं, अब अगर हम मिसिसागा के पड़ोसी मिल्टन की तरफ जाएं, तो यहाँ कई नाम सुनने में आ रहे हैं। इनमें सबसे ऊपर समीरा अली का है, ये नाम जाना पहचाना है। समीरा अली काउंसलर भी हैं मिल्टन की राइडिंग से और इस वक्त वो एमपीपी के नॉमिनेशन उम्मीदवार बनने जा रही हैं। उनके मुकाबले में सैमी एजाज का नाम सुनने में आया है, मियां आमिर नईम का नाम सुनने में आया है और एक उम्मीदवार को हम अपने लास्ट प्रोग्राम में इंटरव्यू कर चुके हैं, वो हैं खुर्शीद खान साहब। मिल्टन वालों के लिए बहुत अच्छा मौका है कि एक अच्छे कैंडिडेट को अगले प्रोविंशियल असेंबली में उतारें। जाहिर है कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ से तो नॉमिनेशन ऑलमोस्ट डन है, उनके इस वक्त के मेंबर पार्लियामेंट ओंटेरियो से परम गिल हैं और अगर इन 4-5 नामों में से जो हम डिस्कस कर रहे हैं कोई भी उम्मीदवार हो सकता है, हमारी हमदर्दियां दुआएं सबके साथ हैं, लेकिन मिल्टन के लोगों को फैसला करना है और उम्मीद यही है कि वो अपना फैसला अच्छे अंदाज में, भरपूर अंदाज में देंगे। मेहनत सारे लोग कर रहे हैं, सुनने में यही आता है कि ये चारों उम्मीदवार इस वक्त मेंबर साजी कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। हमें उम्मीद यही है कि ये मरहला भी खुशगवार अंदाज में हल हो जाएगा। ये था नाज़रीन हमारा आज का प्रोग्राम, हमें अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी व नासिर। शब्बा खैर।